नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कोलेस्ट्रॉल में परहेज, जाने क्या खाएं और क्या न खाएं के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक फैट केमिकल लिपिड होता है जो आपके शरीर में कोशिकाओं में होता है। आपको बता दें कि कई अलग कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने का काम करता है। उधर दुर्लभ मामलों में लो कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर बेहतर होता है। एक स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करने से आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के आहार के बारे में। कोलेस्ट्रॉल में परहेज, जाने क्या खाएं और क्या न खाएं। कोलेस्ट्रॉल में अंडे के पीले वाले हिस्से को न खाएं। ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल, जैसे मीट और अंडा पीला वाला हिस्सा। अंडे के पीले हिस्से में काफी कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए पूर अंडे के बजाय अंडे का सफेद खाएं। आप मीट का भी सेवन बहुत कम करें। इसका ज्यादा सेवन न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगा बल्कि चर्बी को भी बढ़ाएगा। तली भुनी चीजें खाने से बचें। ऐसे चीजों का बहुत कम सेवन करना चाहिए जो तली हुई हो। आपको बता दें कि तली भुनी और अन्य चिकनाई युक्त वाले खाद्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तली हुई खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से स्नैक्स और फास्ट फूड से बचें। पशु के मांस से दूरी भी है कोलेस्ट्रॉल में परहेज। उन आहारों का खाने से बचें जिसमें सेचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती हो। सेचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट युक्त भोजन करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये आहार। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन। अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अपनी डाइट में ताजे फल, अनाज, सब्जियों और सलाद को शामिल करें। कोलेस्ट्रॉल को काबू पाने के लिए हर्बल तेल का इस्तेमाल। यदि आप खाना बनाते समय तेल और घी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसे तुरंत त्याग दीजिए। तेल और घी आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है। इन तेल का करें इस्तेमाल। सूरजमुखी, कुसुम, जैतून या मकई के तेल जैसे तेलों का उपयोग करें। ये तेल न केवल कोलेस्ट्रॉल घटता है बल्कि इससे त्वचा में निखार आता है तथा बालों की भी ग्रोथ होती है। पल्म या नारियल तेल का सेवन करने से बचें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।